अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंतहाई मोटिवेशनल है। आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिसने कुछ साल कबल अपनी बॉडी बिल्डिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की, तो इनके दोस्त का नीचे कमेंट ये आता है कि बट साहब हुण ओ गल्लां नहीं रहियां। बस ये जुमला था जो बट साहब के दिल में जाके लगा, और उसके बाद उन्होंने फिर से तहिया किया कि एज कुछ भी हो, अब फिर से एक बार वही वाली गल्लां वापस लेके आनियां ने। तो मेरे साथ हैं हारून बट साहब, ये इन्होंने अभी मिस्टर लाहौर का जो टाइटल है वो अपने नाम किया हुआ है। अब इनकी एज तकरीबन 43-44 साल हो चुकी है, मगर इसके बावजूद ये ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते हैं बल्कि इन्होंने बड़े बड़े मेडल्स, बड़े बड़े जो टाइटल है वो अपने नाम किए हुए हैं। इनकी सारी ये कहानी है क्या, इन्होंने कौन कौन से मुकाबले जीते हैं, अब मज़ीद आगे क्या करने जा रहे हैं वो हम बट साहब से जानते हैं। बट साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये जो लाइन है बट साहब हूँ वो गलना नहीं रही, इस कहानी का ज़रा हमारे नाज़रीन को भी आप बताएं कि ये सारा माजरा क्या जी। असल में जो लास्ट था ना कंपटीशन मेरा, वो था 98 का मिस्टर पाकिस्तान का, और लास्ट कंपटीशन के बाद दो साल के बाद मेरे फादर की डेथ होगी 2000 में। फिर मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। उससे पहले मैं जूनियर मिस्टर लाहौर में रनर अप रहा, फिर जूनियर मिस्टर लाहौर वीएन में गोल्ड मेडल हुआ, जूनियर मिस्टर पंजाब में गोल्ड मेडल हुआ। तो ये 20-21 साल का अरसा था। उसके बाद 2014 में मैंने एक अपलोड की थी उसमें फेसबुक पे अपनी पिक्चर एक, तो उसमें एक दोस्त ने कमेंट किया कि यार बट साहब वो बात नहीं रही। तो कह लें कि यहीं से फिर एक आगाज़ हुआ दोबारा, फिर वो चिंगारी आपको पता है शोला बनी। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा अपनी प्रोफेशनल जो है बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। तो 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 20-21 साल बाद मैंने जो है ना फिर अपना मास्टर लाहौर का टाइटल विन कर लिया। 20-21 साल के बाद फिर से इन्होंने अपने अंदर का वही वाला पुराना बट जगाया, और अब ये फिर से ये बड़े बड़े कप साथ में मेडल, और ये मिस्टर लाहौर का ये जो टाइटल है इन्होंने अपने नाम किया है। सर, आप मुझे ये बताएं कि एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि बंदा कितनी एज तक बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक बाबा जी की वीडियो देखी थी, आप भी उनको जानते होंगे, वो माशाल्लाह उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, अभी भी वो फिट हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। देखें, एज तो मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो ऐसे भी एथलीट देखे हैं जो 60+ हैं लेकिन अभी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का कह लें कि मेयार है, उसमें तकरीबन 35 साल एटलीस्ट 40, इसके बाद मैंने नहीं देखा कि लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मिसालें देखें तो उसमें 60+ जो हैं लोग, उन्होंने भी कम्पीट किया और जीते भी हैं माशाल्लाह। आप कहाँ कहाँ पे अभी बॉडी बिल्डिंग के जो मुकाबले हैं वो जीत चुके हैं, ना पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी आप कहीं गए हैं? नहीं, इंटरनेशनल तो खैर मैंने अभी तक कम्पीट नहीं किया, लेकिन नेशनल लेवल तक मैंने मिस्टर पाकिस्तान भी खेला हुआ है, और पाकिस्तान में जितने भी कंपटीशन हैं सारे मैंने जो है उनमें पार्टिसिपेट किया और खेला हुआ। बॉडी बिल्डर को कितना टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है? देखिए, बॉडी बिल्डिंग असल में ये समझने की ज़रूरत है कि आप के मसल को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अमूमन यह मैंने देखा कि जो यंग जनरेशन है हमारी वो ओवर ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि बहुत लेंथी ट्रेनिंग करते हैं। अब जो है ना ओल्ड थ्योरी जो है वो चेंज हो गई है, अब चीज़ें आपको पता है मिनिमाइज़ हो गई हैं। अगर आज भी आपने करनी है ट्रेनिंग तो मेरा ख्याल है 45 मिनट जो है ना काफ़ी होती है ट्रेनिंग, इससे ज़्यादा नहीं आपको करनी चाहिए ट्रेनिंग। सर, आजकल के हमारे जो नौजवान हैं वो शॉर्टकट रस्तों को बड़ा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बॉडी बन जाए, हमारे मसल बन जाए, हमारा जिस्म बन जाए। अब वो कुछ टाइम तो शायद उसका असर होता हो, मगर बाद में होता नुकसान ही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, शॉर्टकट तो किसी भी चीज़ में नहीं होता, और बॉडी बिल्डिंग तो आपको पता है कि लाइफ स्टाइल है, ये कुछ अरसे के लिए नहीं है। और जहाँ तक शॉर्टकट की बात है तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। देखें, आप अगर प्रोफेशनली जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग है ना उसको भी अगर आप देख लें तो जिन लोगों ने बड़े बड़े टाइटल विन किए हैं, अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे तो आपको आप कभी पढ़े उन्हें 16-17 साल 18-18 साल उन्होंने मेहनत की है तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर हैं। तो अगर कोई शॉर्टकट होता तो वो ही इस्तेमाल कर लेते, उन्हें 16 साल या 18 साल बॉडी बिल्डिंग करने की क्या ज़रूरत थी।
अभी जो हमारे सामने मिस्टर लाहौर बैठा है, ये क्या खाता है? देखें, बॉडी बिल्डिंग की जहाँ खुराक का ताल्लुक है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, गुड फैट्स होते हैं, प्रोटीन होती है आपकी, और हल्की फुल्की फैट भी आपको लेनी चाहिए। अमूमन हमारे लड़के यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये कर जाते हैं कि फ़ैट जो है वो बिल्कुल नहीं लेते। फैट भी आपको लेनी चाहिए, प्रोटीन है आपके, कार्ब है आप उस आपके अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपने उसको मैनेज करना कि आप कितना खा सकते हैं। सर ये तो आपने बॉडी बिल्डिंग वाली हमें लैंग्वेज में बताया ना, अब जो मेरे जैसा पेंडू बंदा है उसे अब क्या पता हो फैट प्रोटीन का। ज़रा आसान मैं चाहता हूँ कि अल्फाज में आप बताएं कि अंडे खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, क्या क्या। देखें, सबसे पहले जब आपका फर्स्ट जो मील होता है ना, उसमें अगर आप कह रहे हैं कि कार्ब, उसमें ओट्स होते हैं, वाइट ओट्स होते हैं, वो आप खा लें, और आपके जो वाइट एग होते हैं उसमें प्रोटीन होती है, गुड फैट्स अगर आप जिन्हें कहते हैं कि जिनमें होती है उनमें आपके नट्स आ जाते हैं सारे, जो अंडे की जर्दी होती है उसमें भी गुड फैट होती है। उसके अलावा आप चावलों से कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, और उसके अलावा चिकन से आप प्रोटीन ले सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं सारी आपकी डेली रूटीन की चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है जो आम रूटीन में नहीं मिलती। बॉडी बिल्डर जब मुकाबलों में जाते हैं, उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर एक बड़ा वो यूनिक किस्म का ऑयल लगाया होता है, और उनका जो बॉडी का कलर है वो भी थोड़ा चेंज होता है, वो क्या होता है और उसके लगाने का मकसद क्या होता है? देखिए, वो असल में जेल होता है। पहले तो जब कह लेंगे पुराने ज़माने में ऑयल होता था, जैतून का ऑयल होता था, उसमें थोड़ी चीज़ें को कलर वगैरह मिक्स करके लोग लगाते थे। अब जेल है, अब जेल भी चेंज हो गया, अब टैन कलर आ गए हैं उसमें, स्प्रे वाले जो कलर हैं। जैसे जैसे आपको पता है वक्त गुजरता गया है, अब चीज़ें एडवांस होती गई हैं। उसका बेसिक मकसद यही होता है कि आपके मसल्स जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं उनके कलर वाइट होता है, तो जो वाइट स्किन होती है ना उसमें कलर जो आपके मसल्स होते हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। तो जेल लगाने का मकसद यही होता है कि आपको जो मसल्स आपके बने ना वो कम अज़ कम, जब आप जजिंग के लिए लड़के जाते हैं स्टेज के, तो ये है कि वो आपके मसल्स प्रोमिनेंट हो जाए, उसके लिए जो है ना जेल यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी फील्ड होती है उसमें एक आपको उस्ताद बनाना पड़ता है, जिससे आप ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे आप सारा कुछ सीखते हैं। आपका उस्ताद कौन था, आप किससे सीखते रहे हैं? जी बेसिक मैंने जिनसे ट्रेनिंग ली थी, शुरू जब मैंने ट्रेनिंग की थी, बेसिक जो ट्रेनिंग सीखी थी मैंने करनी, वो मेरे उस्ताद थे ज़फ़र भट साहब। और ये जो अब जो मैंने ये टाइटल विन किया मास्टर मिस्टर लाहौर का, तो इसमें जो मेरे उस्ताद हैं ना वो मियां फारूक साहब है गुजरांवाला से। सर हर फील्ड में आपको पता है कि मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं कि यार किधर ऐसा डिकुल अगे ना निकल जाए, आपकी फील्ड में ऐसा है? आपके साथ भी ऐसा हुआ है किसी ने आपकी टांगें खींचने की कोशिश की हो? देखें, ये प्रोफेशनल जेलसी तो आपको पता है हर फील्ड में होती है, और बॉडी बिल्डिंग में भी है, और मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादा है हमारी बॉडी बिल्डिंग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपका कंपटीटर है ना, उसको सिर्फ स्टेज तक आपका कंपटीटर होना चाहिए। जब आप ऑफ द स्टेज होते हैं ना, फिर बिल्कुल भाइयों की तरह होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है, मेरा तो पैगाम है दोस्तों को, जो मेरे कुलीग भी हैं, अगर आप कंपटीशन करते हैं, लेकिन उसका ये है कि सिर्फ अगर आपकी हल्की फुल्की मुखालफत है तो स्टेज की हद तक होनी चाहिए, उसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए, ये इंतहाई बुरी बात है। आप सर क्योंकि एक माशाल्लाह खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ी ने प्रॉपर टाइम देना होता है अपने इस प्रोफेशन को भी, साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। अभी हमारे ज़ाहरी बात है मुल्क में इतना ज़्यादा खिलाड़ियों को अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा कि उनका कोई माना वजीफ़ा लगाया जाए, तो घर का सर्कट चलाने के लिए आप क्या किस काम को तरजीह देते हैं? देखें, ये तो बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात तो ये है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, उसमें बॉडी बिल्डिंग थोड़ी इसलिए मुश्किल होती है कि आपको पता है ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी होती हैं, फिर वो फैमिली को भी मैनेज करना, फिर बिज़नेस को भी मैनेज करना। मेरा बेसिकली जो बिज़नेस है वो फिल्ट्रेशन प्लांट है मेरा, अपना ब्लू इन वाटर के नाम से हमारी कंपनी, जो डोर टू डोर वाटर सप्लाई करते हैं, तो बेसिक मेरी अर्निंग तो वहीं से आती है। बाकी कुछ स्टूडेंट हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग जिमों में, कुछ मेरा अपना कह लेंगे जो एक जेब खर्ची से कहते हैं, वो फिर अपना जो मैं अपना डाइट वगैरह का वहीं से निकाल लेता। फैमिली को कितना टाइम देना पड़ता है आपको? देखिए, फैमिली को थोड़ा टाइम जो है ना वो कम ही मिलता है जब आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आते हैं। देखिए, फिर सारा दिन रूटीन आपके बिजनेस की होती है, फिर आपकी इस मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, आपकी इवनिंग में ट्रेनिंग होती है, तो ये कुछ ऐसे कह लें कि सैक्रीफाइसेस होती हैं जो आम लोगों के जेन में नहीं होती कि जो एक बॉडी बिल्डर है वो क्या क्या चीज़ें सैक्रीफाइस करके टाइटल जीता, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता।
तो उसमें आप फैमिली का जो टाइम है वो भी सैक्रिफाइस करते हैं, फिर आप अपने जो मुंह का टेस्ट है वो भी सैक्रिफाइस करते हैं। जब आपको पता है फैमिलीज में दावत वगैरह होती है तो खाने तो वही होते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले तो नहीं होते। ये इसी से मुझे एक सवाल आया, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, कि किन किन चीज़ों से बॉडी बिल्डर को परहेज करना पड़ता है? देखिए, जितनी आपकी जंक फूड है ये इंतहाई गलत है, ये बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। ऑयल जो है आपका, ऑयल से परहेज करना चाहिए। आपकी शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हेल्दी फूड अब आप कहेंगे कि आसान लफ्ज़ों में बताएं तो हेल्दी फूड में यही है कि आप वो चीज़ें लें जो प्रोसेस ना हो, जो आपकी जेन्युइन चीज़ें, जैसे रोटी आप खाएं कोई इशू नहीं है, गंदम की रोटी खाएं जो जेन्युइन गंदम की होती है। तो इसी तरह जो प्रोसेस फूड है ना उसे आप परहेज करें, बाकी चीज़ें खाएं कोई इशू नहीं है। अब तक सर कितनी ट्रॉफियाँ, कितने मेडल और कौन कौन से आप अपने घर ले कर जा चुके हैं मुकाबलों से जीत के? थी मेरे पास जूनियर मिस्टर लॉडवियन, उसका गोल्ड मेडल है, और उसके अलावा जूनियर मिस्टर पंजाब है, उसका गोल्ड मेडल है। फिर उसमें मैं ब्रॉन्ज हुआ था पाकिस्तान में 98 में, उसका मेरे पास मेडल है, और लास्ट ईयर है आपके सामने। बड़े नौजवान हैं सर जो तैयार बैठे हैं कि हमने इस फील्ड में जाना है, या फिर कुछ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं फील्ड में आ चुके हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मेहनत तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी इस फील्ड में लड़के आना चाहते हैं। देखें, अच्छी चीज़ है बॉडी बिल्डिंग, बुरी चीज़ नहीं है, आप काफ़ी बुराइयों से बच जाते हैं जी, क्योंकि जब आप मोस्टली अपना टाइम जिम में स्पेंड करते हैं फिर आप लाजमी बात है किसी गलत जगह पर नहीं जाएंगे। तो ये है कि जो कम से कम आपकी ट्रेनिंग्स है ना, जैसे YouTube पे आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने ज्वाइन करना है तो फिर ये है कि किसी अच्छे उस्ताद या कोच के पास करें, तो नो डाउट इसमें स्कोप तो है बॉडी बिल्डिंग में। देखिए, शौक है, अगर आप ये सोचें कि इसमें क्या मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की बात है।